कस्टमर को वार्ड नंबर 5 से कामयाब बनाए। लास्ट एंड है यहाँ मंजावली वाला साइड, या नहीं समझ ली मंजावली वाला यहाँ शुरू है, जो हैंड ओवर कर देगी इसको और इसके ऊपर फिर रोड कंस्ट्रक्शन, और दूसरी तरफ जो मंजावली वाली साइड 20 किलोमीटर और नोएडा वाली साइड 4 किलोमीटर हुए, और जो यमुना नदी की तरफ का पहला पिलर है जो उनका यानी जो टच कर रहा है वो ये यमुना का रिवर का पानी जो यहाँ पर मेरे सामने बह रहा है। और जैसा कि मैंने आपको सामने दिखा, आपने देखा था खुद यहाँ से लोग मोटरसाइकिल स्कूटर और ये काम हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको मंजावली ब्रिज का अपडेट देने के लिए, और इस समय मैं मंजावली ब्रिज के बिल्कुल पास पहुंच गया हूं। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं लहलाते हरे खेतों का आने का टाइम, नई फसल की बुआई शुरू हो गई है। पिछली बार जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो यहां लहलाते वो एक खेत मैंने आपको दिखाए थे यहां पर, और वो फसल अब कट चुकी है और नई फसल की बुआई की तैयारी हो गई है। और मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने वाला एक ट्रक आ रहा है यहाँ पर, ये आपको सुबह का टाइम है यहाँ पर मंजावली ब्रिज के पास में जाके दिखा रहा हूँ आपको, मैं सारा अपडेट दे रहा हूँ आज का। ये देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो से और इस वीडियो में फसल की कटाई हो गई और नई फसल की बुआई शुरू हो गई, हर तरफ प्रोग्रेस और विकास है, लेकिन इस मंजावली ब्रिज का क्या कहें। लगता है यहाँ पर तो अभी बहुत देर होने वाली है दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया, या किसी की नजर लग गई है, या रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं राजनीति में, क्या कारण है कि इस ब्रिज को सिरे नीचे पड़ा, जबकि दोनों के दोनों एंड यानी कि फरीदाबाद हरियाणा और उधर यूपी ग्रेटर नोएडा दोनों की तरफ के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस पर, और फिर भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को और इतने दिल्ली के पास एनसीआर के पास रहते हुए भी हम इस काम को पूरा नहीं करवा पा रहे। ये देखिए साइट का हिस्सा मैंने जो पिछली बार दिखाया था, यहाँ पर काम चल रहा था, जितनी भी प्रीकास्टिंग का काम होता था वो सारा यहीं पर होता था, और यहाँ पर जाते हुए मैंने आपको पिछली बार दिखाया भी था यहाँ पे कैसे कास्ट होते हैं स्लैब्स। अब ये यहाँ से सारा वो जितने भी कास्ट हुए स्लैब से सब उठ गए हैं यहाँ से, हट गए हैं यहाँ से। अब बैक साइड में देखें तो ट्रक आ रहा है मेरे पीछे, और मैं अब आपको आगे तक लेके जा रहा हूँ। अभी दोनों साइड में देखिए पहले खुदा नहीं हुआ था, यहाँ पर भी खुदाई हो गई काफी, तो जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ अब देखते हैं वहां पर कितना आगे तक जाया जाएगा और कितना अपडेट दे पाऊंगा मैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मंजावली का ताज़ा अपडेट चाहिए, तो आज मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ। ये साइड में देखिए जेसीबी काम कर रही है यहाँ पर, ये ब्रेकर काम कर रहे हैं ब्रेकर इसका जेसीबी का, जो पुराने ये जो स्लैब्स यूज नहीं हो पाई, वेस्ट हो गई, खराब हो गई, ये स्लैब्स यहाँ बनती थी, अब उनको तोड़ के उनके बीच का जो एटलीस्ट सरिया है, जो मेटल पीसे हैं वो उसका स्क्रैप जो है वो जनरेट होगा, तो उसको कहीं बेचा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है एटलीस्ट, और सीमेंट को फिर कहीं और पे यूज़ कर सकते हैं कहीं लैंडफिलिंग के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, आज के अपडेट के अंदर मैं आपको ले आया हूँ बिल्कुल मंजावली ब्रिज के पास, और यहाँ गाड़ी खड़ी करके हम देखते हैं कि क्या अपडेट हो सकता है यहाँ पर, कितना काम हो गया है यहाँ पर। मैं आज आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पे
अभी स्टॉप करता हूँ और फिर आगे तरफ जाते हैं, फिर बात करते हैं। ये देखिए मैं आगे आ रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कितना काम हो गया है। और ये सामने देखिए यमुना रिवर, ये देखिए बिल्कुल लास्ट मंझावली साइड में जो आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो साइड में मेरे जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये रेल बनी हुई है, इसके ऊपर बेसिकली जो बहुत बड़ी जो सामने गेंट्री क्रेन है सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये चलती है इसके ऊपर। और ये बड़े बड़े जो ये बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इनको लेके आती है यहाँ पर, ये जो पार्टीशन बने हुए हैं यहाँ पर इनको लेके आती है यहाँ पर और इसके ऊपर लगाने का काम करती है। ये देखिए मैं आपको सामने जगह दिखाऊँ, ये लास्ट एंड है यहाँ का, जो पिलर वर्क हो चुका है, इसके बाद आगे काम जोड़ना है जो रोड से और जो रैम्प से होगा। 630 मीटर्स का एरिया है जो कि ब्रिज का पार्ट है। ये मैं आपको आगे तक एक बार जूम करके भी दिखा दूँ, ये यमुना रिवर इस समय सूर्य उगा ये है यहाँ पर और अभी बिल्कुल चमकता हुआ पानी। ये देखिए मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ इस समय, जो बिल्कुल सेंटर का पोर्शन है, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ तो जो गैप आ रहा है ये यहाँ से जो मेरे लेफ्ट साइड में, ये फैजाबाद से नोएडा जाने के लिए रास्ता है और वो जो मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये नोएडा से फैजाबाद मंझावली से होते हुए यहाँ पर आने का रास्ता है मंझावली में तक। ये बिल्कुल जो लास्ट एंड है यहाँ मंझावली वाला साइड, या नहीं समझ ली मंझावली वाला समझिए जहाँ शुरू है, जो ये वहाँ पर हम खड़े हैं इस समय और काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ये देखिए जैसे सामने आप देख पा रहे हैं, इधर सारी मशीनें काम कर रही हैं यहाँ पर, ये एंड है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल एंड है। इसके बाद जो है यहाँ पर रैम्प बनेगा और उस रैम्प से हम इस ब्रिज के ऊपर चढ़ पाएंगे। मैं आपको आगे तक लेके जाता हूँ, ये जो अभी स्टील के फ्रेम लगे हुए हैं सब उतर जाएंगे अभी, आइए मैं आपको आगे तक लेके जाता हूँ। बिल्कुल आपको ऊपर का व्यू भी दिखा रहा हूँ और ये सामने का व्यू भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल ये जो अभी सपोर्ट लगे हुए हैं, जो अभी सपोर्ट धीरे धीरे सब हटते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये जगह पूरा का पूरा एरिया ये खाली हो जाएगा। ये देखिए ऊपर सिर्फ ये इतना सा एक स्पैन रह गया है जो आप ऊपर देख रहे हैं इस समय, ये सेगमेंट बोलते हैं जो यहाँ पे लग रही है यहाँ पे। और जो ऊपर बड़ी वाली गेंट्री क्रेन मैं आपको दिखाई थी जिस रेल की मदद से चलती है, ये सामने जो येलो कलर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है ऊपर, ये यहाँ पर इनको सेगमेंट्स को पोजीशनिंग की जा रही है। लास्ट सिर्फ एरिया है जिनसा ये सेगमेंट जो आनी यहाँ पर, इसके बाद ये एजेंसी हैंड ओवर कर देगी इसको और इसके ऊपर फिर रोड कंस्ट्रक्शन। और दूसरी तरफ जो मंझावली वाली साइड 20 किलोमीटर और नोएडा वाली साइड 4 किलोमीटर की रोड बननी है, रैंप बनना है, वो काम शुरू हो जाएगा। वैसे तो दोनों काम साथ साथ शुरू हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन किसी वजह से शुरू नहीं हुए। और जो यमुना नदी की तरफ का पहला पिलर है जो यानी जो टच कर रहा है वो यहाँ पर मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ इस समय। ये भी सपोर्ट लगे हुए हैं, कुछ टाइम बाद ये सपोर्ट हट जाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर कंप्रेसर चल रहा है, ये वहाँ पर ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पर एयर चाहिए होती है तो उसके लिए। ये ट्रैक्टर की मदद से चलाया जा रहा है इसको, कितनी दूर तक कई बार लेके नहीं आता पाते। ये मैं आपको यमुना तक लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल नीचे तक का व्यू आपको दिखाता हूँ वहाँ पर दोनों तरफ से। ये इधर नोएडा वाली साइड का और सामने दूर देखिए तो इन्होंने ये बांध का काम पूरा कर दिया वहाँ पर।
ये देखिए, मैं ये बिल्कुल नीचे लेवल तक लेके आ गया हूँ आपको। ये यमुना का रिवर का पानी जो यहाँ पर मेरे सामने बह रहा है, और जैसा कि मैंने आपको सामने दिखाया था, ये देखिए ऊपर सूर्य और उसकी रोशनी, सुनहरी पानी एकदम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नीचे का व्यू, ये देखिए ये यमुना रिवर बह रही है यहाँ पर। पहले आपको मालूम है पानी सुखा दिया गया था, आपने देखा था खुद यहाँ से, लोग मोटरसाइकिल स्कूटर कार सब यहाँ बीच में से होके उस साइड अट्टा की तरफ जाते थे। वो सामने जो बांध बना है वो वाला, मैंने आपको दनकौर वाली साइड से भी पिछले एक वीडियो छोटा दिखाया था, आपने बहुत पसंद किया उसको भी। ये देखिए ये सामने बिल्कुल पानी इस समय, यमुना का पानी इस समय जो, और ये बीच में से पिलर, और ये ऊपर का व्यू जो ये ब्रिज का पार्ट बनेगा यहाँ पर, और ये काम हो रहा है यहाँ पर। काफ़ी गहरी रिवर है ये वैसे तो, आपने देखा ही था उस समय, और ये पूरा पानी लबालब भर गया है इस समय, यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है। चलो आइए यमुना के पानी को छूके भी देख लेते हैं। ये देखिए आप क्या देखते हो यहाँ पर, यहाँ पे काम करते हो? तिगाम रहते हैं। तिगाम रहते हैं, तो यहाँ कैसे आए थे? यहाँ ऐसे आते हैं बोतल मिलने के लिए कबाड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कबाड़ा मिल जाता है यहाँ पर? ओके, जमुना का देखे आता है कबाड़ा। अच्छा, वो हम ले जाते। अच्छा, तो आप तो एक तरह से यमुना को साफ करने में सहायता कर रहे हो आप तो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? नेत्राम। अच्छा, तो आप तिगाम में रहते हो? ये देखिए ये पहले जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था ये सब हटा दिया जाएगा यहाँ पर। अभी थोड़ी सी यमुना की साइड की जो गंदगी है वो आ गई है, धीरे धीरे सब साफ कर दिया जाएगा। ये पूरा ब्रिज जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप सामने देखें, वो सामने, अगर आप सामने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो ट्रैक्टर और काम चल रहा है यहाँ पर, वहाँ पर वो बांध बना दिया जाएगा, और ऐसा ही एक बांध इस तरफ भी बनाया जा रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये बांध जो है यहाँ पर पानी नहीं आने दिया जाएगा यहाँ पर, ताकि यमुना का जो पानी है ये आगे ना बढ़ जाए, इसके लिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। ये देखिए इस बांध पर भी मैं आपको लेके जाऊँगा अभी। बहुत तेजी से पानी बह रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो सामने काम हो रहा है वो सामने है, वो पूरा का पूरा बांध वाला काम यूपी वाली साइड ने पूरा कर दिया है, जैसा कि वहाँ पर वो सामने तक बांध दिया अट्टा तक, और ये बिल्कुल ब्रिज का सीधा हिस्सा जो मैंने आपको अपडेट दिया अभी। और आइए अंदर की तरफ चलते हैं, और मैं आपको दिखा के लाता हूँ कि जो बाकी मंजावली साइड से जो बांध का काम किया है वो कितना काम हो गया है। ऊपर भी काम चल रहा है, जैसे देख रहे हैं गैंट्री से काम चल रहा है यहाँ पर। बैठे हैं जो सामने इसको चलाते हैं, वो ऑपरेट करते हैं इसको, और जो इतने बड़े बड़े सेगमेंट है यहीं से लेके जाया जाता है उसके ऊपर। ये सामने जो अभी देख
तक जा रही है जो सामने देख रहे हैं आप। हाँ जी क्या हाल है भाई? सब काम कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर, और ये मैं आपको जो गैंट्री दिखा रहा हूँ सामने, गैंट्री चलो नीचे तक लेके जाऊँ। ये हिस्सा है, ये देखिए ये भाई साहब बैठे हैं, और ये ऊपर तक ट्रेन जाती है वाली, और ये वहाँ पे रखवाती है। ये मैं आपको टोटल ब्रिज का हिस्सा, जो कि बिल्कुल दूसरा यूपी की साइड में जो स्लोप होने वाला है वहाँ पर, ये हिस्सा वहाँ पर जो टच हो रहा है, और ऊपर का काम थोड़ा सा रह गया ज़रा, बाकी ऑलमोस्ट पूरा तैयार है इस समय। नेक्स्ट बिटुमिनस लेयर जो रोड बनी है उसके लिए ये मैं आपको गैंट्री पूरी दिखा रहा हूँ, जो जिसकी मदद से पूरा का पूरा एक सेगमेंट उठा लिया जाता है, और फिर इसको इस तरह से बिछाया जाता है, और फिर ये वन बाय वन इसको जोड़ा जाता है। ये एक एक सेगमेंट जोड़ के ही एक रोड बनती है, टू वे बननी है, टू वे इस तरफ और टू वे दूसरी साइड, ये रोड बननी है भाई। ये पूरा का पूरा मैंने ब्रिज का आपको अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे जो भी आप देख रहे हैं यमुना का ये वाला जो साइड है, यहाँ पर भी अभी डैम बनेगा, यानी कि बहुत ही मिट्टी की ऊँची लेयर बनेगी, जैसे कि उस तरफ सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही डैम इस तरफ बनेगा, ताकि जो यमुना का पानी जब बढ़ जाएगा तो वो इस तरफ वाले हिस्से में ना आ जाए, उसको रोकने के लिए, और रोड्स वगैरह का और जो ब्रिज को डैमेज ना करे, इसके लिए यहाँ पर एक डैमेज कंट्रोल के लिए डैम बनाया जाएगा, जो कि मिट्टी की बहुत ऊंची भराई होती है, उसको दबाया जाता है और कॉम्पैक्ट किया जाता है। ऐसे ही उस तरफ भी बनने वाला है, उस तरफ भी मैं आपको लेके जाता हूँ अभी। ये मैंने आपको गैंट्री क्रेन दिखा दी है जो काम कर रही है यहाँ पर, और सेगमेंट बिछा रही है यहाँ पर। हमेशा बता रहे थे कि जो दो सेगमेंट हैं ये कैसे जुड़ते हैं आपस में? उसके पहले तो हम ये नीचे से एक एंट्री के माध्यम से ऊपर ले जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ग्लू होता है केमिकल, ओके, केमिकल से हमें एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, जोड़ने के बाद ना उस पे जैक होता है, जैक ब्लू जैक, और मैक्लो बार एक रॉड होता है, रॉड होती है मैक्ले, मैक्ले भी मैं, उसको ब्रैकेट में डाल के हम लोग जैक से टान देते हैं, लोड दे दिया जाता है, 350-480 ऐसा जो ड्राइंग में होता है। अच्छा, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। और जब वो केमिकल आता है सड़ जाता है, तो जुड़ जाता है, केमिकल जुड़ जाता है कि जाके लीक पिक ना हो, वर्किंग के टाइम में सीमेंट का लिक्विड ना। ओके, जैसे कि दो सेगमेंट ऊपर जोड़े जा रहे हैं आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर, यही जो लास्ट का एरिया काम रह गया है इसके अंदर, बाकी इसके अलावा मैंने आपको जैसे दिखाया पूरा का पूरा नोएडा अटा तक पूरा का पूरा जुड़ चुका है वहाँ पर, सिर्फ यही काम यहाँ पर हो रहा है, जो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, लास्ट में तो जो बहुत जोर पकड़ लिया है, बट लेकिन यूपी साइड और हरियाणा साइड की जो रोड है वो कब आएगी, अब उसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि इसको बनने में इतना टाइम लग गया, अब वो वाली प्लानिंग और वो कितनी जल्दी हो पाएगा ये देखने वाली बात है, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे कामों की वजह से फिर काम रुका ही रहेगा यहाँ पर। इस समय जो सेगमेंट साइड को जोड़ा है इसमें केमिकल आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं गिर रही होंगी, ये इस समय जैक लगा के इनको टाइट किया जा रहा है, केमिकल डाल दिया गया इसमें, और जो साइड में जो होल्स देख रहे हैं ये मैक्ले बीम यहाँ से निकलेगी, इस इन तारों के से इनको जोड़ा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये मैं सामने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जो ये वाइट आपको होल के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैक्ले बीम मैक्ले रॉड के थ्रू इन सारे सेगमेंट्स को जोड़ा जाता है आपस में, एक तो एक दूसरे से आपस में ग्लू से जोड़ा है जैसे कि आपको दिखा रखा है समय, और इसके अलावा यहाँ पर जो मैक्ले बीम जो मैक्ले तार यहाँ से जाएंगी जिनको बोलते हैं, उन तारों की मदद से सारा सेगमेंट एक दूसरे से जुड़ा रहेगा पूरा का पूरा आगे तक, और ऐसे जैसे ये वाला इस तरह वाला जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा, तभी और इसके अलावा इसके पिलर्स के ऊपर खड़ा है तभी जाकर ये सारे जो ऊपर ट्रैफिक आएगा उसका लोड ले पाता है, उस डिज़ाइन के हिसाब से ये काम किया जाता है। यह मैं आपको
बिल्कुल किनारे वाला सा दिखा रहा हूँ, जो मंझावली से नोएडा की तरफ जाएगा, जो ये वाली जो रोड बननी है दो टू वे वाली, ये इस तरफ वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। ये जो अभी स्टील स्ट्रक्चर सारा सब दिख रहा है आपको, ये सब धीरे धीरे जैसे ही ये सेगमेंट्स पूरे होंगे, ये काम पूरा होगा तो ये सब हटा दिए जाएंगे। ये जो मैं आपको रेल दिखा रहा था जिसके ऊपर ये गेंट्री क्रेन का ये वाला हिस्सा और जो दूसरी तरफ मैंने दिखाई थी वो वाला हिस्सा, ये दोनों इन्हीं दोनों रेल के ऊपर चलती हैं और इसकी मदद से फिर सारे सेगमेंट्स ऊपर उठा के उनको फिक्स किया जाता है। ये बिल्कुल सीधा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सामने आपको, ये ब्रिज का वो एंड। अभी यहाँ पर अभी थोड़ा काम ऊपर चल रहा है, मशीनें चल रही तो ऊपर जाना अभी शायद अलाउड नहीं है, तो मैं अभी ऊपर से जाकर नहीं दिखा पा रहा आपको। ये देखिए मैंने जो आपको बता रहा था, ये जो डैम, ये जो रिवर है साथ में इधर, और ये रिवर पूरी यहाँ पर जैसे इतनी डेप्थ है यहाँ पर इसकी, और इसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर और भी पानी की डेप्थ है यहाँ पर। और ये वाला जो डैम का हिस्सा जो अभी मिट्टी की भराई हो रही है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वहाँ पर ले जाके दिखाया था, उधर का हिस्सा दिखाया था आपको, ऐसे यहाँ पर ये मिट्टी की भराई हो रही है यहाँ पर और फिर कॉम्पैक्शन होगी इसके ऊपर। जी मैं आपको थोड़ा आगे तक लेके जाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो डैम का हिस्सा कहाँ तक बन रहा है। ये देखिए ये डैम का हिस्सा है यहाँ पर, और ये आगे घूमता हुआ काफ़ी दूर तक ये नदी के साथ साथ जा रहा है, यमुना रिवर के साथ साथ जा रहा है ये वाला हिस्सा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये सामने नदी है रिवर यमुना, और ये हिस्सा, और देखिए थोड़ा थोड़ा गुलाई लेता हुआ, अभी काफ़ी मिट्टी की भराई का काम हो गया है यहाँ पर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वहाँ से, ये यहाँ से राउंड होता हुआ जा रहा है, ये कर्व ले रहा है वहाँ से, और वो काफ़ी आगे तक यमुना रिवर तक जाएगा वहाँ तक, और ये सामने मंझावली विलेज के रेजिडेंट्स, उनका घर, खेत खलिहान, और ये मंझावली ब्रिज कॉन्ट्रेक्टर की साइट, कंस्ट्रक्शन की साइट, यहाँ पर जो काम चल रहा है ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसको अब समेटने का काम शुरू हो गया इनका, क्योंकि इस एजेंसी ने यहाँ तक का पूरा काम कर दिया है। अब मैं इस वाले व्यू से भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये हिस्सा आपको ऐसे नज़र आने वाला है, ये किनारा है, और इसके बाद से जो अगर मैं जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है आपको, ये सारा नीचे यहाँ स्लोप बनेगा और जो सामने मंझावली विलेज है उससे जुड़ जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की रोड बननी है इस तरफ, और 4 किलोमीटर बननी है जो नोएडा वाली साइड। ये मैं आपको ब्रिज का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ सामने 630 मीटर्स, और वो सामने का जो हिस्सा जो डैम है, जैसे यहाँ मिट्टी पर मैं अभी खड़ा हूँ इस समय, जैसे ये मिट्टी है यहाँ पर अभी, ऐसी ही मिट्टी और फिर कॉम्पेक्शन करके वहाँ पर ये डैम बना दिया गया है। और उस जो आप किनारा देख रहे हैं वहाँ पर, वो वाला किनारा जो आप देख रहे हैं, उस किनारे पर वहाँ से डैम बनेगा, डैम के नीचे का हिस्सा स्लोप बनेगा, और ये यमुना रिवर मंझावली के साथ में, और ये डैम का हिस्सा। ये करीब 12 पिलर हैं इसके अंदर, अगर आप देख पाएंगे तो, और ये 12 पिलर के अंदर ये टोटल 630 मीटर, और इसको लगता है 9 साल से ऊपर तो हो गए हैं, कहीं 12 पिलर को ये 12 साल ही ना कर दें। एक पिलर एक साल में बनकर तैयार हुआ इस हिसाब से तो। वैसे तो दोस्तों जिस तरह के पुल होते हैं लोगों का दिल जोड़ने के लिए बनते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक दिल से दूसरी तरफ, और जो राजनीतिक लोग होते हैं इस बात का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अपनी जनता से अपनी प्रजा से जुड़ सकते हैं इस तरह के जल्दी पुल बनाकर जल्दी काम करके। लेकिन इस बार तो प्रजा का दिल टूट गया है जैसे, क्योंकि इतना डिले हो गया है, इस डिले के कारण लोगों में काफ़ी नाराज़गी और रोष है इस समय, क्योंकि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी लोगों को इस तरफ से उस तरफ जाने में दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे लग जाते हैं, जो कि मात्र आधे घंटे का भी काम नहीं है, जो यहाँ से वहाँ तक जाना, पर अट्टा तक जाना चाहें तो
तो ये काम जितना आप जल्दी हो जाए अभी तभी लोगों की गुस्से और रोष में थोड़ी सी भरपाई हो पाएगी। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जितनी इसके ऊपर काम किया जाए, दोनों तरफ की रोड के ऊपर का प्रोजेक्ट का काम भी किया जाए, तो मैं उसका भी अपडेट दूंगा कि आपको वो रोड्स कब बनने वाली हैं। तो अधिकारी लोगों से बात करूंगा मैं, अभी तो जो कंस्ट्रक्शन पर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सिर्फ इस ब्रिज के बारे में जानते हैं और वो ब्रिज कह रहे हैं हम जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर देंगे। ये बिल्कुल साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पर गेंट्री ग्रेन लगानी थी इसलिए इन्होंने सीमेंट की बोरियाँ यहाँ पर डाल के पानी को रोक रहा था यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने यहाँ पर जिसके ऊपर काम करते हैं ये। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसपी सिंगला जो कॉन्ट्रेक्टर है यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए, अब यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा सामान बन गया है, जो एक्स्ट्रा मेटल बन गया है उसको तोड़कर उसमें स्टील निकाला जा रहा है ताकि वो स्क्रैप के रूप में बेचा जाए। तो ये आज से इन्होंने अपना जो मेटल को क्लियर करने का काम भी शुरू कर दिया है ताकि ये एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर यहाँ पर रोड बननी है। तो एसपी सिंगला जो है समराइज कर रहा है अपने मटेरियल को यहाँ पर, और कुछ ही दिनों में होपफुली ये सारा का सारा जो ब्रिज का एरिया है ये क्लियर करके हैंड ओवर कर देंगे दूसरी एजेंसी को, PWD जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उस पर काम कर रही है, और उसके ऊपर रोड बनाने का जो प्रोजेक्ट है जो भी नेक्स्ट एजेंसी दिया हुआ है वो उस पर काम करेगी। दोस्तों साइड में जो बांध बन रहा है वो भी एसपी सिंगला के अंडर है और उसका मैं एक वीडियो अलग से दे रहा हूँ, मुझे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी 7-8 मिनट का वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है बांध बनाने का, जो पूरा मंजावली के गांव तक का रास्ता बना है बनाया गया है, इसके बाद वो वीडियो भी जरूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। थैंक यू दोस्तों, मंजावली का मैंने आपको अपडेट कर दिया है आज और बिल्कुल क्लियरेंस कर दी है। थैंक यू वेरी मच।